नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो MapIT द्वारा ली जाने वाली CPCT टाइपिंग की जो एग्जाम है उसके विषय में बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में लगभग कम से कम एक साल से नहीं हुई है, जिस कारण बच्चा बहुत परेशान है और जो आने वाली आगामी एग्जाम है उन एग्जामों के लिए बच्चा वंचित हो रहा है उस एग्जामों से, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तो वह मध्य प्रदेश से की सरकार से यह आग्रह करना चाह रहा है कि या तो आप CPCT की एग्जाम डेट निकाल दें या फिर जो उनका स्कोर कार्ड है उसकी एक्सटेंड कर दे एक साल के लिए, बच्चा ये चाह रहा है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में अभी जो चुनावी दौर चल रहे हैं तो चुनाव हो चुके हैं खत्म। जिस प्रकार अभी जेल प्रहरी का एग्जाम होने वाला था और 2 दिन पहले उस एग्जाम का एडमिट कार्ड निरस्त कर दिए, तो काफी बच्चे परेशान हुए। बच्चों ने जो जिनका सेंटर दूर आया था उन्होंने रेल टिकट्स कर लिए थे, बच्चे ने 2 2 महीने से किराए के कमरे लेके पढ़ना शुरू कर दिया था और व्यापम ने आके क्या हुआ एंड में, बस कुछ नहीं, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड स्थगित कर दिया और परीक्षा स्थगित हो गई। तो इसका मानना है कि अभी अपन CPCT को देखते हैं तो CPCT अभी होना तो तय है नहीं। आपका लगभग ये मान के चले कि जनवरी या फरवरी में आपको CPCT होना का कैलेंडर आपको मिल जाएगा साइट पे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। यदि वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज अपन बात करते हैं आगे कि CPCT मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में कहाँ कहाँ मांगा जाता है और किस किस विभाग में और किस किस पद के लिए CPCT महत्वपूर्ण है और कंपलसरी है। तो जैसा कि देखा जाए, सबसे पहले आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है वो CPCT, उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। IT ऑपरेटर होता है, उसमें भी आपको CPCT होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम सारे कंप्यूटर पे किए जाने वाले काम है। और फिर आगे चलते हैं तो सहायक ग्रेड 3, तो जितने भी विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद हैं उनके लिए आपको CPCT प्लस PGDCA होना बहुत जरूरी है। और CPCT में भी हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है और स्पेशली जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो पास होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत लोग क्या होता है बस CP टाइपिंग हिंदी टाइपिंग पास कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि स्कोर कार्ड हमारा हो गया और सबने CPCT पास कर लिया, तो इस चीज को वैलिड इनवैलिड माना जाता है। जब तक आप कंप्यूटर वाला सेक्शन और हिंदी सेक्शन नहीं पास करोगे तब तक आपका CPCT स्कोर कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। फिर आगे पद की बात करते हैं तो आगे चलते हैं सहायक ग्रेड 3 में भी आपको बहुत जरूरी है, कंपलसरी है कि आपको CPCT पास होना जरूरी है। कलेक्टर कार्यालय में जितने जो पद है, जो सहायक ग्रेड 3 जो कंप्यूटर लेवल के जो काम होते हैं वो सब में CPCT होना बहुत जरूरी है आपके लिए। फिर आगे चलते हैं तो आगे आपका आता है शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड में भी आपको कंपलसरी PGDCA, स्टेनो और CPCT होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं फिर स्टेनो टाइपिस्ट में भी आपके पास CPCT होना बहुत जरूरी है। ऐसे तमाम पद ऐसे जो है जो कंप्यूटर द्वारा होते हैं संचालित, उनके लिए आपको CPCT करना बहुत जरूरी है। और सरकार के जितने भी ऐसे पद हैं जो ग्रुप 4 में आते हैं उन सारे ग्रुप 4 की एग्जामों में आपके लिए CPCT कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे अभी आने वाली आगामी एग्जाम सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसमें आपके लिए CPCT होना कंपलसरी है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आने वाली है, उसमें बच्चा बैठने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि CPCT जिनका स्कोर कार्ड खत्म हो गया है वो ये चाह रहा है कि या तो हमारा CPCT कार्ड की वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए या फिर आप CPCT की एग्जाम करवा लीजिए तो ताकि हम CPCT की एग्जाम देके उस एग्जाम में बैठ सकें। तब ताकि बच्चा इतना परेशान हो रहा है कि या तो फिर हम एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, बच्चा ये चाह रहा है कि या तो आप CPCT की एग्जाम करवा दो या फिर उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ा दो ताकि हम एग्जाम से बाहर नहीं हो। नौकरी बेरोजगारी इस कदर इस चरम सीमा पर मध्य प्रदेश में फैली हुई है ना कि जिसकी हद ना हो। ठीक है, तो
तो आपको मैंने जितने सारे पद बताए जो सारे ग्रुप फोर के पद है सारे में जो सीपीसीटी कंपलसरी कर दी गई है। और यदि वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।